बुधवार को भारत की तरफ से पाकिस्तान के बालाकोट में हुई एरियल स्ट्राइक के बाद नियंत्रण रेखा पर तनाव बना है। हम इस वक्त उड़ी में हैं जो नियंत्रण रेखा से सटा इलाका है और आप देख सकते हैं यहां से चकोटी मात्र 20 किलोमीटर दूर है और चकोटी में भी कल भारतीय वायुसेना ने कुछ बम गिराए थे। उसके बाद लगातार नियंत्रण रेखा पर तनाव बना है। करीब 15 जगहों पर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी हो रही है, भारतीय इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है और जो लोग नियंत्रण रेखा पर रहते हैं वो काफी तनाव में हैं और कई सारे लोग जो हैं वो अपने गांवों से भागकर अब उड़ी में सुरक्षित अपने आप को रखने के लिए यहां पहुंचे हैं। एक बुजुर्ग है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। आपका नाम? मोहम्मद अली। कहाँ आप रहते हैं? टाकरा। टाकरा, हाँ। तो कब से ये गोलीबारी जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में शुरू हो गई? ये तो 47 से शुरू हुआ, 60 में होया, फिर बंद हो गया, फिर चलता रहा। 60 में जंग होया तो फिर नाल पार्ट फैसली सदर चूक। कल से क्या हो रहा है? कल से गोला नहीं चला, पाकिस्तान ने नहीं मारा, ये मार रहे आज मार। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर जो है तनाव बना हुआ है और जिस अंदाज से पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हो रही है उसका जवाब जो है भारतीय सेना भी दे रही है। तो दोनों तरफ से जब गोलीबारी हो रही है तो उस बीच जो सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो न सिर्फ घबराए हैं बल्कि काफी जो है तनाव में भी है। रूफ अहमद के साथ अशरफ आनी, उड़ी।